शाहजहांपुर जिले के अकोदिया नगर में मंगलवार शाम 6 बजे हुए रोहित जाट पर प्राण घातक हमले के मुख्य आरोपी में से 5 लोगों को गिरफ्तार पुलिस द्वारा कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी को सख्ती से पकड़ने का आश्वासन दिया है। वहीं हिंदू समाज के दबाव के कारण अभी मौके से मामले को शांत कर कार्यवाही की जा रही है और मुस्लिम पक्ष के 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद कार्यवाही जारी है। इस मामले को लेकर स्थानीय हिंदू समाज के लोग सहित आसपास के लोग भी अकोदिया में मौजूद रहे और रोहित जाट पर हुए प्राण घातक हमला करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़े जाएगा और अभी रोहित जाट को शाहजहांपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है उपचार के लिए। विश्व हिंदू परिषद सहित अनेक कार्यकर्ता अकोदिया थाने पर एकत्रित हुए और मामला इतना गंभीर हो गया कि जहां पर एसपी पंकज श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी और एसडीएम प्रकाश कस्बे, एसडीओपी वीएस द्विवेदी, नायब तहसीलदार मुकेश सावले थाने पर पहुंचे और तथा सलसलाई, शुजालपुर, काला पीपल आदि जगहों से पुलिस फोर्स अकोदिया पहुंच गई और वहां पर अकोदिया में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात हो गई और कर्फ्यू की स्थिति बन गई। सभी मार्केटों को बंद करवा दिया गया तो वहीं हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि सभी अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमलावरों पर धारा 147, 148, 149 और 323, 307 और साथ ही में 294 के तहत आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है। वैभव डेयरी के सामने पुराना सेंट्रल बैंक रोड पर हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया था, जहां पर हमला करने वालों में कुल 6 लोग शामिल थे, जिसमें शेरू खान, शाबिर खान, अजहर, समीर, सोनू खान, बायलर शामिल और साथ ही में रोहित जाट एवं उनके मित्रों के ऊपर लोहे की रॉड से हमला किया था, चाकू से भी वार किया था, जिसमें क्रिकेट की बात को लेकर झगड़ा हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि उन लोगों ने रोहित जाट को जान से मारने की धमकी भी दे दी। रोहित जाट को सिर और पैर में चोट आई है और उसे शुजालपुर लेकर गए, जहां पर उसे शुजालपुर से शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया और साथ ही में रोहित जाट के मित्र कुंदन राजपूत पिता दिनेश राजपूत को हाथ में चोट आई थी। साथ ही में रवि मेवाड़ा पिता मान सिंह अकोदिया गांव को पैर में चोट आई थी और साथ ही में कुणाल जाट को पैर में चोट आई। क्रिकेट की बात को लेकर दोनों समुदाय के बीच में मामूली मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद एक समुदाय के व्यक्ति को सिर और पैर में चोट आई और जिसको इंदौर रेफर किया गया, जिसके चलते हिंदू समुदाय के लगभग 5 लोगों पर धारा 506, 323 और 225, 294 के तहत कार्रवाई की गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अकोदिया थाना प्रभारी अवधेश कुमार शीशा का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, दोषियों पर हमारी ओर से उचित कार्यवाही की जाएगी। जींद कॉलोनी में क्रिकेट का मैच था, मैच के दौरान जो टीम हारने लगी वहाँ उसमें का लड़का सोनू खान करके वो गाली गलौज करने लगा तो लोगों ने मना किया तो फिर वो चला गया वहाँ से, फिर जीप में जो है कार में 6 लोगों को लेकर आया, हाथ में राड और ये लाठियाँ, एक के हाथ में चाकू बता रहे, लेके आए और मारपीट करने लगे। राहुल के भाई जो है रोहित, तो ये सब सब्जी खरीद रहे थे, तो वही उसको इंगित किया कि ये रोहित है और उसको जो है जान से मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया, जिससे रोहित के सिर में हाथ पैर में चोट आई। इस मामले में अभी तक वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।